आज हम बनाएंगे आलू पालक की सूखी मसालेदार सब्जी। ये सब्जी ऐसी है, अगर जिसको पालक पसंद नहीं है उसे भी अच्छा लगेगा अगर आप इस तरह से बनाएंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पे जो नए हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं सब्जी को बनाना। पालक मैंने लिया है 250 ग्राम और आलू लिए हैं 2 बड़े साइज़ के। इस तरह से मैंने कट कर लिया। इसे पानी में भिगो कर रख दिया है ताकि ये काला ना हो। अभी मैं एक कढ़ाई में तेल को गर्म कर देती हूँ। तेल मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, आप चाहे तो जो तेल खाते हैं आप वही लीजिए। तो इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 पिंच हींग डालेंगे। अभी इसमें बारीक 2 कटे हुए हरी मिर्ची को डालेंगे और 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ उसे भी डालेंगे और इसे कुछ मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे सूखी लाल मिर्ची को। लाल मिर्ची पहले नहीं डालते ताकि डालने से तेल गर्म रहता है और वो काला हो जाता है। अगर बाद में आप डालेंगे तो लाल मिर्ची काला नहीं होगा। अब इसमें गार्लिक 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ डाल देते हैं। अब इसे कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे अच्छे से। अभी जो आलू कट करके रखा था उसे अब डाल देते हैं और इसे भी कुछ मिनट के लिए भूनेंगे अच्छे से। और इसे ढक के 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि आलू अच्छे से क्रिस्पी हो जाए थोड़ा और उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो देखिए 4 मिनट हो गया है। अभी इसमें मैं टमाटर को डाल देती हूँ। टमाटर 1 बड़े साइज का मैंने रफली चॉप करके इसे ऐड कर देती हूँ। अभी इसमें सारे मसालों को ऐड कर देंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। अभी सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो आलू की ऐसी ही सब्जी बना के खा सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया लगता है, बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से अगर आप खाएंगे सब्जी को। तो कुछ मिनट तक मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे, ढक के इसे पकाएंगे। अभी देखिए आलू जब हमारा 90% पक जाए तब हम इसमें पालक को ऐड कर देंगे। नमक मैंने नहीं डाला था, आप पहले ही डाल दीजिएगा। तो नमक ऐड कर दिया। अभी इसमें मैं पालक जो बारीक कटा हुआ था इसे ऐड कर देती हूँ ऊपर से, और इसे चलाएंगे नहीं, ऊपर से थोड़ा सा नमक ऐड कर दी क्योंकि आलू में भी मैंने नमक ऐड कर दिया था। इसे ढक के 5 मिनट तक पकने देंगे। तो 5 मिनट हो गया है, देखिए आलू पानी छोड़ दिया है। अब इसे हम ढकेंगे नहीं, इसे मिला लेंगे अच्छे से और इसे ऐसे ही पकाएंगे। जब तक कि पानी नहीं सूख जाए तब तक हम गैस को ऑफ नहीं करेंगे। और ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया लग रहा है आलू पालक का। पालक को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 10 मिनट लगता है। और इसे हमें चलाते ही रहना है ताकि नीचे से लगे ना। और सूखी मसालेदार आलू पालक की सब्जी बनके रेडी हो गई है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। लीजिए आलू पालक की मसालेदार सूखी सब्जी रेडी हो गई। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आप इसे बटर रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, और जिसे चावल अच्छा लगता है साग के साथ वो भी खा सकता है। तो बनाइए आलू पालक की सूखी मसालेदार सब्जी और सबको बहुत पसंद आएगा। उंगलियां चाटने पे सब मजबूर हो जाएंगे। तो मैंने एक प्लेट में इसे सर्व कर लिया है फ्रेंड्स। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।